वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। तो कैसे हैं आप? और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको क्या बोलते हैं, नीचे जो मेंशन कर रहा होगा वो तो आपको दिख ही रहा होगा आज किस चीज़ के बारे में है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। मैं इतनी सावन मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ वैसे उस विधि से मैं आपको आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इडली बनाने की बैटर है कैसे तैयार होता है चलिए देख लेते हैं। फैमिली, तो फैमिली ये आधा किलो रवा है। तो आधा किलो रवा में ये फ्रेश दही आप देख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा कटोरा है, ये एक कटोरी दही तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने डाल लिया। तो मैं इडली बनाने के 1.5 घंटे 2 घंटे पहले इसको इसका बैटर तैयार करके रख देती हूँ। और इसमें फैमिली ना तो इसमें कोई इनो जाएगा ना इसमें कोई सोडा जाएगा, वो फैमिली तुरंत ही जाता है जिस समय हम लोग सांचे में इसको इस बैटर को डालते हैं। तो नमक अपने स्वाद अनुसार, तो फैमिली पहले इसको हम अच्छे से और हल्का हल्का पानी तो फैमिली इसका बैटर हमें बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, अभी तो ये गाढ़ा है, अभी इसको हम हल्का सा और पानी डाल के क्योंकि अभी ये 1.5-2 घंटे में और फूल जाएगा तो फिर उसके हिसाब से, तो पतला तो चाहिए नहीं बस हमारा एक थिक कैसे होना चाहिए। तो अभी ये बैटर 1.5 घंटे बाद हम अभी हमारा फिट चुका है अच्छे से, मैंने इसको फेंट लिया है और बहुत अच्छे अच्छे से फिट गया है आप देख सकते हैं। तो अब इसको 1.5 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। चलिए जब तक सांभर की तैयारी कर लेते हैं। हमारा बैटर बहुत अच्छा फिट गया है, मैंने दिखाया इसको ढक के मैं रख दूँगी। तो फैमिली ये अर्जेंट के लिए है कि अर्जेंट में हमें इडली बनानी हो तो ये तो, और दूसरी चीज़ फैमिली ये पेट के लिए हल्की होती है और चावल उड़द की दाल की जो होती है वो हो मतलब उसमें काफ़ी झंझट भी है, पहले आप उसको भिगो फिर उसे पीसो और काफ़ी पेट के लिए हैवी भी हो जाती है, लेकिन अच्छी वो भी लगती है। आप इसको बना के भी देखिएगा, ये भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब ये बनेगी तैयार हो के तब आपको आप देखिएगा खुद आपको समझ में आएगा। तो फैमिली सांभर के लिए हमें चाहिए तुअर की दाल, इसको अरहर की दाल हम लोग इधर तो अरहर की दाल बोलते हैं और लोग कुछ लोग तुअर की दाल बोलते हैं। तो 2 कटोरी बड़ी कटोरी हमारे यहाँ सांभर सबको बहुत पसंद है तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो इसको 3 सीटी तक हम इसको पकाएंगे, 3 सीटी में ये दाल हो जाती है। तो और देखिए आप इसमें दाल के ही साथ अभी मैं इसी में डाल दूंगी ये प्याज, देखिए बड़े बड़े इसमें कटे हैं, मैं अपने हिसाब से जैसे बनाती हूँ उस टाइप में है ये, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और ये तड़के के लिए है कड़ी पत्ता, मैंने इस मतलब ये फ्रेश नहीं है क्योंकि मैंने इसको सुखा के रख लिया है, ये महीन वाली राई है, आप मोटी भी डाल सकते हो जैसा आपका हो। और ये देखिए टमाटर है बारीक कटे हुए, ये खड़े मिर्ची में पर रेड चिल्ली नहीं है तो हरी ही डालूंगी मैं, ये तड़के के लिए प्याज है, बाकी जो आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, बैंगन भी डाल सकते हैं। और तो गाइस ये देखिए मेरे पास लौकी, तो लौकी तो वैसे भी लौकी बहुत ही अच्छी होती है सांभर में, बाकी आप और भी जो आपको सब्जियां पसंद हो वो डाल सकते हैं। और गाइस थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद आने के लिए, खट्टा मीठा सा स्वाद आने के लिए गुड़ है, गुड़ का फ्लेवर आप चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ नहीं है तो इसका अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए ये सब सांभर दाल जो पकने के बाद इमली का पानी उसमें ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करना होता है क्योंकि दाल नहीं पकेगी फिर। तो चलिए चढ़ा देते हैं गैस पे। तो फैमिली मैंने दाल 2-3 पानी से अच्छे से धो ली है, तो इसमें चलिए नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेते हैं, मैंने 2 चम्मच डाला है, आप जैसे बनाइएगा स्वाद अनुसार ही डालिएगा, 2-2.5 चम्मच। ये देखिए मैं गुड़ भी ऐसे ही डाल रही हूँ, गुड़ से दाल पक जाती है क्योंकि गुड़ मीठा है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ही डालना होता है।
मैं रेड चिल्ली पाउडर भी डाल रही हूँ एक चम्मच से, ज़्यादा कड़ू नहीं है, आप अपने हिसाब से, मेरा मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है तो मैंने दो रेड चिल्ली डाला है। और मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ एक चम्मच, मैंने बड़ा चम्मच डाला है। मैंने हींग भी देखिए इतनी डाल रही हूँ मैं, जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करती है। जी मैंने लौकी को भी अच्छे से धो लिया था, तो ये देखिए ये लौकी जो है इसके साथ ही ऐड होगी, इसी में ही पक जाएगी। तो चलिए लौकी भी डाल देते हैं। ये प्याज भी इसी में डालूंगी मैं, गैस पे चढ़ा दिया है, सीटी लगा देते हैं 3 से 4 सीटी। चलिए फैमिली देख लेते हैं हमारा सांभर हो गया कि नहीं, 3-4 सीटी लगाई है। तो सांभर देखिए हमारा कितने अच्छे से हो गया, पूरी दाल बहुत अच्छी हो गई। तो चलिए फैमिली इसमें इमली का पानी डाल देते हैं एक गिलास, जितने खट्टे की जरूरत है, उसके बाद तड़का लगाते हैं इमली। तो चलिए ये मेरे पास स्टैंड है, अगर जिसके पास स्टैंड ना हो, मुझे कटोरी में भी बनानी आती है, अगर आपके पास छोटी छोटी 3 या 6 साइज की, एक ही साइज़ की कटोरी हो तो आपको भी वो भी मैं, आप कमेंट करना, वो भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था तब मैं सारी कटोरियों में ही बनाती थी, सारे स्टैंड में मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है इसमें थोड़ा सा, ताकि हमारी इडली अच्छे से छूट जाए इनमें से। तो चलिए तो फैमिली देखिए कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है, 2 घंटे हो गए इसे। तो चलिए इसको एक अलग बर्तन में निकालते हैं, जितना हमें भरना होता है तो उतना ही निकालना होता है, तो इतना बैटर पूरा आ जाएगा उसमें। उसके बाद फैमिली देखिए थोड़ा सा इसमें ये सोडा, खाने वाला मीठा सोडा है, तो इसमें ये डालेंगे चुटकी भर। देखिए कितने अच्छे से ये हो रहा है, अब इसको हम फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद तुरंत ही हल्के हाथों से, और हमें स्टैंड में डालना होगा। देखिए चम्मच चला जाएगा, आपके पास ऐसा बड़ा चम्मच है तो एक चम्मच में ही हो जाएगा। ये देखिए ये भी बढ़ेगी, फैमिली आज दशहरे का दिन है, तो बस ये हुआ कि त्यौहार है तो थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ बना देते हैं। आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा और खुद भी खाइएगा, सबको खिलाइएगा, त्यौहारों में अच्छा होता है और ये पेट के लिए बहुत हल्का होता है, और अधिकतर लोगों को इडली सांभर पसंद भी आता है। फैमिली मैंने पानी पहले से भाप रख दिया था, तो वो पानी बहुत अच्छा है, तो इसे भाप पे पकाना है, तो 10 से 15 मिनट लगता है, हमारी इडली तैयार हो जाती है। के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, तो उसमें पहले मैं राई डालूंगी महीन वाली, उसके बाद प्याज डालूंगी, थोड़ा सा दूर होकर डालना होता है क्योंकि बहुत तेज तेल में बहुत तेजी फूटने लगती है ना। और उसके साथ ही मैं करी पत्ते भी डाल दूंगी, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी। देख लेते हैं, हमें 10 मिनट हो गया है। वाओ, ये हमारी इडली देखिए कितनी फ्लफी बनी है। इसको चेक करने के लिए हमें एक नाइफ चाहिए होता है, नाइफ हमें सीधे ऐसे डालना है। अगर नाइफ हमारी बिल्कुल साफ़, देखिए मेरी नाइफ बिल्कुल साफ़ निकल आई है, उसका मतलब हमारी ये इडली बहुत अच्छे से हो गई है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। फैमिली हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो चलिए इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं, और ये हमारा सांभर मसाला वो भी इसी में डाल देते हैं कि अच्छे से ये भून जाए। तो फाइनल देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है,
बेहतरीन लाजवाब और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और कड़ी पत्ता, राई और ये क्या बोलते हैं सर सांभर के मसाले की बहुत प्यारी खुशबू। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए फाइनल लुक। तो फाइनली इसको निकालने के लिए ठंडी हो चुकी है। चलिए देखिए कितने आराम से ये हमारी इडली निकल आएगी, देख सकते हैं आप। ये देखिए तो कितनी आसानी से हमारी सारी इडलियाँ निकल रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी बनी है, एकदम स्पंज ऐसी और दानेदार और कितनी सॉफ्ट। हम आपको तोड़ के भी एक दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी है और खाने में आप बनाइएगा और आ जाइए आप सब भी खाइए, लेकिन आप बना के एक बार देखिए, खा के भी देखिएगा, बहुत टेस्टी होती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो फैमिली आयुष और पीयूष टेस्ट करके आपको बताएंगे खाने में कैसी है। आयुष से तो पीयूष से तो वही नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं रखा जा रहा है खाने में। तो गाइस अब देख सकते हो बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। हाँ तो कैसी बनी है बच्चों बताओ, पहले तो आयुष बताएगा। सामा इसका बहुत अच्छा और इडली इतनी फ्लफी बनी और सॉफ्ट है। आप तो अपनी फैमिली से बोलो कि खाने आप लोग भी आइए, आप लोग भी आइए। हैप्पी दशहरा फैमिली। तो आप लोग भी त्यौहार में बनाइए, हम कह सकते हैं आप मेरे घर आ नहीं सकते, लेकिन जो आएगा मैं बना के ज़रूर खिलाऊंगी। प्लीज़ आइएगा ज़रूर, अगर आपको लगता है तो ज़रूर आइएगा। और ये देखिए इनके पास पेशेंस नहीं है, बस जल्दी जल्दी शुरू हो गए हैं। ये देखिए गर्म लग रही है, कैसे खा रहे हैं पीयूष। तो ओके फैमिली त्यौहार बहुत सारे अभी हैं, आप लोग भी खूब बना बना खाइए। बाय फैमिली, बाय, हैप्पी दशहरा।